हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैं 15 अक्टूबर को ही लखनऊ शिफ्ट हो गई हूँ। मेरी नाक थोड़ी सी रनी है। ओके, इग्नोर दैट। आज है 16 अक्टूबर और आज से हमारे दोनों घर का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। एक घर में क्लीनिंग स्टार्ट होगी, है डीप क्लीनिंग, और एक घर में नेट एंड ऑल का काम चालू हो गया है। आई विल शो यू गाइस। तो ये लॉबी है लिफ्ट की, और सबसे पहले ये वाला हमारा एक घर है, तो यहाँ पर क्या क्या क्लीनिंग हो रही है मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले विंडो क्लीन हो रही है सारी। ये देखिए, ये बहुत गंदी थी, बहुत ज़्यादा, जो कि एकदम न्यू लग रही है अभी साफ करने से। और ये वैक्यूम, अच्छा अच्छा, तो ये वैक्यूम क्लीनर से हो रहा है। ये वाला कमरा हो गया है, चलिए ये देख लेते हैं। अच्छा, फ्लोर बाकी है बस। ये देखिए, खिड़की की बात हो रही थी। हाँ, खिड़की देखिए काफ़ी साफ है। अभी ये तो दाग लगा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकते, पर ये एकदम साफ हो गई। और ये बहुत गंदी खिड़की थी, और वाइट होने की वजह से गंदगी पता चल रही थी, एकदम अच्छे से अभी साफ हो गई है। और ये फर्श पर पूरी गंदगी आ गई है। यहाँ पर डीप क्लीनिंग हो रही है किचन की एकदम अच्छे से। यहाँ पर ये फर्श क्लीन हुआ है, और इसका वॉशरूम भी क्लीन हो गया है, तो अभी फर्श गंदा हो जाएगा इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। और उसकी खिड़की मुझे नहीं पता है क्लीन हुई कि नहीं। और इस कमरे में पूरा पानी ही पानी है। आई थिंक कोई सॉल्यूशन डाल कर रखा है इन्होंने, उसके बाद इसे वॉश करेंगे। ये पूरा कुछ तो डाला है, इस तरह से यहाँ पर चल रहा है काम। तो इस घर की तो डीप क्लीनिंग चल रही है। इस घर को डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं, जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर इंटरनेट लग रहा है। आई विल शो यू। तो ये लग गए हैं यहाँ पर। ये राउटर मैं मुंबई से ही लाई थी अपना, एक एक्स्ट्रा लग गया है। नहीं नहीं सॉरी, ये इसी का। तो ये यहाँ पर लग गया है। और ये तो किचन काफ़ी साफ है, इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप सभी को घर का एक होम टूर चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पहले से रिक्वेस्ट आना चालू हो गई थी कि किरण होम टूर दो, तो थोड़ा सा क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि गंदगी में अगर मैं होम टूर दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वो घर की क्लीनिंग हो जाएगी तो मैं उसका कल दे दूंगी, इसका कल होने वाला है तो परसों दे दूंगी। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से दिखाऊँ, आप जो इतना एक्साइटेड है, तो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। और एक्साइटमेंट हमें भी बहुत ज़्यादा हो रही है इन दोनों घरों को अच्छे से सजाने की। हमारा जो सामान है अग्रवाल पैकर्स से हमने मंगवाया है, तो वो आज निकला है। आज है 16 अक्टूबर, तो मोस्ट प्रोबेबली 19 या 20 अक्टूबर तक यहाँ पर आ जाएगा। तो पानी का TDS हमने चेक किया यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी फिर से एक बार आपको दिखा रहे हैं, 376, 372। बाप रे, इधर RO तो होना ही चाहिए। मतलब ये हमारे TV यूनिट के पीछे गंदगी है थोड़ी, वो साफ कैसे होगी वही सोच रहे। ये घर जो 3 BHK वाला है, इसकी सफाई फाइनली ऑलमोस्ट हो गई है, बहुत अच्छे से सफाई हुई है। ये बाहर देख रहे हो, ये खिड़की इतनी ज़्यादा साफ हो गई है कि बाहर भी एकदम क्लियर दिख रहा है। और ये वाला एक बेडरूम है, जो कि बहुत अच्छे से साफ हो गया है, इसका वॉशरूम वगैरह भी एकदम चमक गया है। और फिर से आप देखिए कितने अच्छे से सब दिख रहा है। चलिए थोड़ी बहुत किचन की थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी जो गंदी थी, तो उसे वापस मैं बोल दी हूँ, तो अभी साफ कर रहे हैं वापस थोड़ी बहुत, वो तो नॉर्मली हो ही जाता है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी थी गंदी, यहाँ पर सब तेल वगैरह था, ये हो गया है साफ। यहाँ पर पेंट थोड़ा सा गिरा था, वो भी साफ हो गया है, और इसके अंदर भी हो गया है। अभी जाकर हम लोग रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि सब लोग घर चले गए हैं। क्लीनिंग वाले AC भी हमारी जो है वो अच्छे से सर्विस हो चुकी है, तो अब हम रिलैक्स करेंगे। और हम लोग रिलैक्स कैसे करेंगे भाभी, जल्दी बताओ। और मेरा कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा है, बोलो भाभी। आप कौन सा गेम खेल रहे हो? यूनो। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं पता, अभी एक दो राउंड खेलते हैं तो ज्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो आज भाभी फर्स्ट टाइम UNO खेलेंगी, और हमने उन्हें सिखा दिया है। मुझे मेरे भाभी ने सिखाया था, भाई ने सिखाया था, मैंने इन्हें सिखा दिया है, ऐसे ये जो है चलते जाएगा। तो
तभी देखते हैं कौन जीतता है, मैं आपको अपडेट करूंगी। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन जीतेगा। और मैं जीतने वाली हूं। सारी पावर जो है अनिका के पास है, तो होप करते हैं कि अनिका जीते। नहीं, क्या हो गया बेबी? सीक्रेट है। चलो कोई नहीं। ओके, तो भाभी मजा आई कि नहीं यूनो खेलकर? बहुत मजा आया, एक नया एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं खेला। और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है और टाइम पास के लिए तो बहुत ही बहुत ज्यादा अच्छा गेम है। तो भाभी आई थिंक एक बार जीती थी ना? हाँ, एक बार जीती। तो सब लोग फर्स्ट में विनर हुए थे दीदी, सेकंड में मैं, थर्ड में नहीं, सेकंड में मैं, थर्ड में नहीं बेबी, सेकंड चांस हुआ था। सेकंड चांस में मैं जीती थी, फिर थर्ड में आपको जिताई थी। हां हां, फर्स्ट राउंड में मम्मा जो है विनर थी, देन उसके बाद आप। सेकंड चांस हुआ है उसमें मैं विनर थी, जिसमें पापा फिर आप रोने लगे थे। ओके, तो अभी हम लोग वॉक के लिए निकल रहे हैं और हमने सीढ़ियों से ही जाना प्रिफर किया है क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं रहते, तो आराम से सीढ़ियों से उतर कर जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मेरी सोसाइटी दिखाऊंगी। तो ये सोसाइटी है, बीच में वहाँ पर गार्डन है बच्चों का, और ये ऐसे वॉक करने के लिए रास्ता है, और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे टावर हैं तो इसलिए सोसाइटी में वॉक करने का स्पेस भी बहुत सारा बन जाता है। तो यहाँ से ऐसे वॉक करते हुए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, और जैसे ही कुछ अच्छा आता है तो वो भी दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर सोसाइटी के एंट्री गेट के पास में, मतलब एंट्री गेट वहाँ पर है, और वहाँ पर से 2 मिनट वॉक करने के बाद ऐसा कुछ आता है फाउंटेन जैसा, जहाँ पर पानी अच्छे से वो हो रहा है, अनिका वहीं पर वो कर रही है, और कुछ ऐसा दिखता है। और सिक्योरिटी अच्छी होने की वजह से सिर्फ यहाँ पर जो रहते हैं वही यहाँ पर है, और बाहर का कोई भी नहीं है। तो कुछ ऐसा नाइट का व्यू आ रहा है यहाँ से। तो अभी अभी हमने खुद को, मैंने और भाभी ने, हम दोनों ने खुद को लेडीज ग्रुप में ऐड करवा लिया है। मैं कर सकती हूँ खुद को? नहीं, वो लेडीज ग्रुप है बेटा।
रात को मैं आपको नाइट व्यू अच्छे से दिखा नहीं पा रही थी तो सोचा कि डे व्यू भी दिखा दूँ, तो मैंने आपको डे व्यू अपने जो भी सोसाइटी के गार्डन का वो दिखाया। अब इस हाउस की क्लीनिंग चल रही है, सुबह 9 बजे ये लोग आ गए थे हाउस क्लीनिंग के लिए। उस हाउस की तो पूरे अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। इनका हाउस टूर आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, सो रेडी हो जाइए आप। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव।